सतगुरु की साची निवास जी, प्यारे सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु सुनते हैं हमारे दिल की बात, सतगुरु कराते हैं अपना खूबसूरत एहसास। शुक्राना हमें अपना बनाने के लिए, शुक्राना हमें शुक्राना करना सिखाने के लिए। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें अपने प्रवचनों द्वारा समझाते हैं कि अच्छा व्यवहार किसी एक पल के लिए नहीं, बल्कि हर पल अच्छी सोच रहे यह प्रयास करना चाहिए। इसलिए हम सतगुरु का हर पल शुक्राना करते हैं, जो हमें इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं देकर हमारे जीवन का पार उतारा कर रहे हैं। सत्संगत जी कहते हैं, आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए सतगुरु के चरणों में आकर विनम्रता पूर्वक शीश झुकाना होता है। अभिमानी सिर नहीं झुका पाता, इसलिए उसके हिस्से में ब्रह्म ज्ञान की सौगात भी नहीं आती। कहते हैं, पानी के बिना नदी, मेहमान के बिना आंगन, प्रेम के बिना सगे संबंधी व्यर्थ है। पर अगर जीवन में गुरु और गुरु पर विश्वास ना हो तो सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए हमें सतगुरु पर पूरा विश्वास करना चाहिए। सब कुछ करने वाला, सब कुछ कराने वाला, सबको खिलाने वाला, सबको पालने वाला, सबको संभालने वाला सतगुरु दयालु है। सतगुरु की दयालुता पर हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। सतगुरु जैसा इस दुनिया में और ना कोई मीत है। साची गुरु की प्रीत है, झूठे जगत की रीत है। कहते हैं कि ये संसार की जो रीति रिवाज है सब झूठे हैं, एक सच्ची ये सतगुरु की प्रीत है। इसलिए हमारा नाता इस निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ हर पल जुड़ा रहे। सत्संगत जी कहते हैं कि अभिमानी जो होता है वो सिर नहीं झुका पाता, इसलिए उसे ब्रह्म ज्ञान की सौगात भी नहीं मिलती। ऐसे ही एक प्रसंग भी आता है, कोतवाल को संत दादू जी से मिलने की इच्छा हुई। वह घोड़े पर सवार होकर चला। रास्ते में एक व्यक्ति रास्ता साफ कर रहा था। कोतवाल ने उसे चाबुक मारते हुए दादू की कुटिया का रास्ता पूछा। वहां पहुंचकर उसे पता लगा कोतवाल को कि सफाई करने वाला ही दादू था। अब कोतवाल पछताया, संत अब भी मौन है। संत के मौन ने अभिमानी कोतवाल के दिल में हलचल मचा दी। ज्ञान से अज्ञान मिटता है, जबकि भक्ति से प्रेम रस मिलता है। कहते हैं कि भक्ति में अनंत रस है। हमारी अनंत कामनाएं, लालसाएं हमारे आनंद में बाधक हैं। इसलिए हमने इच्छाएं, लालसाएं इनको अपनी भक्ति में नहीं आने देना है। अगर हम भक्ति का आनंद लेना चाहते हैं तो हमने इनको अपने रास्ते में नहीं आने देना है, तभी हम भक्ति में आनंद प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं, दासी आप जी के चरणों में एक स्टोरी रखने जा रही है, आप जी ये प्रवान करें। सत्संगत जी कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी को दक्षिणेश्वर में पुजारी की नौकरी मिली। 20 रुपये वेतन तय किया गया, जो उस समय के लिए काफी था। लेकिन 15 दिन ही बीते थे कि मंदिर कमेटी के सामने उनकी पेशी हो गई। दरअसल एक के बाद एक अनेक शिकायतें उनके विरुद्ध कमेटी तक पहुंची थी। किसी ने कहा कि यह कैसा पुजारी है जो खुद चक्कर भगवान को भोग लगाता है, फूल सूंघकर भगवान के चरणों में अर्पित करता है। पूजा के इस ढंग पर कमेटी के मेंबर्स को बहुत हैरानी हुई। जब रामकृष्ण परमहंस जी उनके पास पहुंचे तो एक मेंबर ने पूछा, यह कहाँ तक सच है कि तुम फूल सूंघकर देवता पर चढ़ाते हो? रामकृष्ण परमहंस जी ने सहज भाव से उत्तर दिया, मैं बिना सूंघे भगवान पर फूल क्यों चढ़ाऊं? पहले देख लेता हूँ
कि उस फूल से कुछ खुशबू भी आ रही है या नहीं। फिर दूसरी शिकायत रखी गई कि सुनने में आया है कि भगवान को भोग लगाने से पहले खुद अपना भोग लगा लेते हो। रामकृष्ण परमहंस जी ने फिर उसी भाव से उत्तर दिया, मैं अपना भोग तो नहीं लगाता, पर मुझे अपनी माता की याद है कि वे भी ऐसा ही करती थी। जब कोई चीज़ बनाती थी तो चक्कर देख लेती थी और फिर मुझे खाने को देती थी। मैं भी चक्कर देखता हूँ, पता नहीं जो चीज़ किसी भगत ने भोग के लिए लाकर रखी है या मैंने बनाई है, वह भगवान को देने योग्य है भी या नहीं। यह सुनकर कमेटी के मेंबर्स कोई उत्तर नहीं दे पाए। ठंड का मौसम था, तापमान 0 डिग्री के करीब था। एक बेसहारा बुजुर्ग इंसान दरगाह के सामने वाले फुटपाथ पर लेटा हुआ था और ठंड से पूरी तरह कांप रहा था। उसके ठीक सामने मजार पे चादर चढ़ाने वालों की लाइन लगी हुई थी। वह हर चादर में अपना जीवन देख रहा था, परंतु कोई उसे चादर क्यों देगा? हर एक को चादर चढ़ाकर अपने लिए उज्जवल भविष्य जो मांगना था। तभी एक मजदूर उसी फुटपाथ से गुजर रहा था। उसकी नज़र उस बुजुर्ग पर पड़ी। उसकी हालत देखकर वह समझ गया कि यदि आज की रात इसने ऐसे ही सर्दी में काटी तो यह मर भी सकता है, इसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। उसने हाथ पकड़कर बुजुर्ग को उठाया और अपने घर चलने को कहा। बुजुर्ग भी हैरान था क्योंकि वह अकेला ही था जो सड़क से गुजरने के बाद भी दरगाह नहीं जा रहा था। बुजुर्ग ने हैरानी से पूछा कि भाई भाई तुम्हें अल्लाह से कुछ नहीं मांगना है? वह बोला, मांगना तो है पर वह देता है कि नहीं इसका विश्वास नहीं, जबकि मेहनत करने पर मजदूरी मिल ही जाती है। खैर वह सब छोड़ो छोड़ो और मेरे घर चलो। अब बुजुर्ग तो कोई आसरा चाहता ही था। उधर वह मजदूर बड़ा ही कोमल हृदय का था। उसने बुजुर्ग को ना सिर्फ भोजन कराया बल्कि रात भर दोनों सिकुड़ कर एक ही चद्दर में सो गए। सुबह तक बुजुर्ग की हालत काफ़ी ठीक हो चुकी थी। बस उसने आसमान की तरफ ऐलान करते हुए कहा, वाह रे खुदा, तू पता तो नक्काशीदार कारीगरों से बने आलीशान दरगाहों का देता है और रहता रहम दिल गरीबों के दिल में है। हाँ संगत जी, इस स्टोरी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमने अगर हम इस प्रभु परमात्मा का प्यार पाना चाहते हैं तो हम हर एक के ऊपर हर एक की हम सहायता करें। जिसको भी जिस समय जिस भी सहायता की ज़रूरत है हम उसकी सहायता करें। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो यह सतगुरु निरंकार बहुत ही खुश होता है। और जब भगत जो भगत होता है, जो प्रभु परमात्मा को मानने वाला होता है, जब वो किसी की सहायता करता है, किसी की सेवा करता है, तो वो इस दातार के आगे अरदास करता है और इसका शुक्रिया करता है कि सच्चे पातशाह तूने मुझे इस सेवा के काबिल समझा, तभी तो मुझे ये सेवा मिली है, तेरा शुक्राना है। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझाते हैं, भगत मदद करता तो कहता, दाता तेरी रहमत है, किसी के काम आ पाने की बख्शी तूने ताकत है। दान भी करता है तो नजरे नीची करके करता है, कोई उसे नादानी समझे वो इस बात से डरता है कि भगत हर समय अपने सतगुरु निरंकार का शुक्रिया ही अदा करता है कि सच्चे पातशाह शुक्र है तूने इस घट को चुना है, तूने तेरा शुक्रिया है सच्चे पातशाह, तुझे ये घट अच्छा लगा, तूने इस घट को सेवा बख्शी है। इसलिए जहाँ पर भी जिसको भी हेल्प की ज़रूरत हो, हम उस समय उसकी हेल्प करके देखें, उसके मन से उसकी आत्मा से कितनी दुआएं निकलती हैं कि वो बयान ही नहीं कर सकते उस बारे में। इसलिए
जब अपने पर बीतती है, जब हमारी कोई हेल्प करता है तो हम कितने मन से दुआएं देते हैं उसको, उसको सुनाकर नहीं दुआएं देते, कुदरती हमारे मन से दुआ निकलती है कि सच्चे बादशाह ऐसे संतों महापुरुषों को चढ़ती कला में रखना। तो इसलिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही हम औरों के साथ भी व्यवहार करके देखें, कितनी खुशियाँ मिलती हैं। सत्संगत जी, ये सतगुरु बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, ये कदम कदम पर हमें सिखा रहा है सेवा करने के ढंग, सत्संग करने के ढंग, सिमरन करने के ढंग। सिमरन के बारे में भी सच्चे पातशाह हमें समझाते हैं कि हमने चलते फिरते काम धंधा करते हुए जिस तरह भी हमें समय मिले हमने सिमरन को करते चले जाना है। जैसे कई कह देते हैं कि हमारे पास तो सिमरन करने का समय ही नहीं है, तो सिमरन की आदत डालने के लिए हमें संत महात्मा भी समझा देते हैं कि जैसे आपके घर की 10 सीढ़ियां हैं, हर एक सीढ़ी चढ़ते व उतरते समय बार बार सिमरन करते रहें। अगर आप रेड लाइट पर खड़े हो, परेशान होने से अच्छा है सिमरन करते रहें। आप किसी को फोन करते हैं, फोन की बेल बज रही है, जब तक सामने वाला ना उठाए सिमरन करते रहें। कोई भी महिला बहन रोटी बना रही है, सिमरन करते हुए बनाए, सिमरन भी होगा और रोटी खाने वाले को भी आनंद आएगा। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, सिमरन करते रहें, सिमरन भी होगा और इंतजार वेट कब मुलाकात में बदल गया पता ही नहीं चलेगा। यानी कि जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को सिमरन के साथ अगर जोड़ देंगे तो एक दिन देखेंगे कि ऐसे ही सिमरन करने की आदत पड़ जाएगी। अब सिमरन के लिए समय नहीं मिल रहा, फिर तो सांसों में सिमरन बस जाएगा और सहज में ही सिमरन होने लगेगा। जो जो भाई बहन कहते हैं कि सिमरन करने के लिए समय नहीं मिलता, वो इस तरह अपना सिमरन करते रहे। इस तरह हमें सतगुरु सच्चे पातशाह सिमरन करने की भी विधि बता रहे हैं, सत्संग करने की भी विधि बता रहे हैं और सेवा के भी हमें ढंग बता रहे हैं। ये नहीं कि हमने सत्संग भवन में आकर ही सेवा करनी है, नहीं, जहाँ पर भी हमें सेवा का मौका मिले हमने उसकी सेवा करनी है, लेकिन सेवा करते हुए भी हमने अलर्ट रहना है, ध्यान से सजग और चेतन रहकर हमने सेवा करते चले जाना है। इस तरह हमें सच्चे पातशाह समझा रहे हैं और कहते हैं कि सत्संग के बारे में भी कबीर जी ने भी हमें समझाया है, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होए। इस तरह हमें संत कबीर जी भी समझाते हैं कि जो सुख हमें सतगुरु सत्संग में मिल रहे हैं वो हमें कहीं भी मिलने वाले नहीं हैं। स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर तराजू के दूसरे पलड़े में रखे गए एक पल के सत्संग के सुख के बराबर नहीं हो सकते। सत्संग की महत्ता संत कबीर जी ने समझी भी है और इतनी गहरी बात भी हमें बताई है। और आगे संत कबीर जी समझाते हैं कि हमारा जो नाता है हर पल इस प्रभु निरंकार से जुड़ा रहे, अगर इसके साथ जुड़ा रहेगा तो हमें आनंद ही आनंद मिलते चले जाएंगे। इसलिए स्वयं को जानने के लिए सतगुरु की शरण में आना जरूरी है। कहते हैं जैसे तिलों में से तेल, गन्ने में से चीनी को और दूध में से मक्खन को प्राप्त करने के लिए विशेष विधि को अपनाना पड़ता है, इसी प्रकार हृदय में स्थित परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए हमें अंतर यात्रा करनी होती है और हमें अपने आप को जानने के लिए सतगुरु की शरण में आना पड़ता है। सतगुरु की शरण में आकर ही मानव को जीवन मुक्ति मिलती है। जीवन मुक्त मनुष्य ही विवेक में जीता है और वह सेवा भाव, संतोष व शुक्राने में रहता है, इसका हर पल शुक्राना ही करता है। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके जो गुरु करे सो होए। तीन लोक और नौ खंडों में गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है, सतगुरु के चरणों में आकर ही क्या सारे सुख मिलते हैं। सारे संसार का क्या, ये सतगुरु सच्चा पातशाह तो तीनों लोकों का मालिक है,
इसलिए हम सतगुरु के चरणों में आकर इस परम सत्य को भली भांति समझें और अपना जीवन सफल बनाएं। सतगुरु ने हमें ये जो सौगात, अनमूल्य सौगात दी है, इसे हम कभी भी ना भूलें। कहते हैं कि हमारे बिना सतगुरु है, लेकिन हम सतगुरु के बिना कुछ भी नहीं है। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है, सीता स्वयंवर का धनुष टूट गया, चारों ओर खुशी का माहौल है। माता जानकी जी ने भगवान श्री राम जी को जयमाला पहनाई, तभी रंग में भंग हुआ। परशुराम जी का आगमन और गर्जना के साथ भगवान श्री राम जी को चुनौती देना, यह प्रसंग बड़ा रोचक है। परशुराम को समय के अवतारी पुरुष भगवान श्री राम जी की पहचान नहीं है। जब पहचान हुई तो परिणाम बड़ा अच्छा हुआ, सत्य की स्थापना हुई। श्री राम जी देश देशांतरों के राजा महाराजाओं की उपस्थिति में महान अवतारी पुरुष के रूप में स्थापित हुए। भाव घटनाएं तो घटेंगी, लेकिन हमने सोच अपनी पॉजिटिव रखनी है। हमें हमेशा यह याद रखना है कि सतगुरु ने दया करके हमें यह अनमोल पवित्र ब्रह्म ज्ञान दिया है। हम में कोई योग्यता नहीं थी, हमारे साथ सबसे उत्तम ज्ञान है। बाकी सभी वस्तुएं यही छूट जानी है। इसी ब्रह्म ज्ञान से ही लोक सुखी और परलोक सुहेला होना है। जिस तरह हम एग्जाम्पल भी देकर समझाते हैं कि जब कोई हम वस्तु मार्केट से परचेज करते हैं, जैसे बाइक या गाड़ी आदि को ले लीजिए, तो कुछ दिनों तक तो हम उसकी बड़ी संभाल करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे लिए उसका आकर्षण कम होता जाता है। और अब अगर उस पर गंदगी की परतें भी जम जाएं तो भी बुरा नहीं लगता। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान हमें मिला है, इसमें किसी प्रकार की मैल और नेगेटिविटी ना आने पाए। हमें अलर्ट रहना है, क्योंकि संसार की वस्तुएं तो गलने सड़ने टूटने फूटने वाली हैं, लेकिन यह ब्रह्म ज्ञान हमेशा नया है, यह कभी पुराना नहीं होता। इसलिए सेवा सिमरन सत्संग का हमने हमेशा सहारा लेना है। कहते हैं, वह व्यक्ति अंधा नहीं है जो आंखों से बेनूर है, अंधा वह है जो आंखें रहते हुए भी निंदित और धर्म विरुद्ध आचरण करता है। हमारा ज्ञान अहंकार रहित होना चाहिए, क्षमा युक्त वीरता और त्याग पूर्ण निष्काम दान श्रेष्ठ है। हमें इसका समय रहते सदुपयोग करना चाहिए। गुरसिक्खी से ऊंची कोई स्थिति नहीं होती, क्योंकि गुरसिख में जो विशेष है वह है आचरण। कहा भी है, तारीफ आचरण की होनी चाहिए, चेहरे की नहीं। चेहरा सजाने में कुछ मिनट ही लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। मानव की कीमत मानने से नहीं, भावना से महान होती है। आदमी की कीमत साधनों से नहीं, साधना से महान होती है। आदमी की कीमत उच्चारणों से नहीं, आचरण से महान होती है। तो प्रकृति के नियम के अनुरूप जब हम चलते हैं, तो हमें गर्मी, सर्दी, बरसात सब कुछ हमें सहन करना पड़ता है। बचाव के उपाय हम स्वयं करते हैं। यदि हम बचाव ना करें तो प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो हमें पड़ेगा। सारी विधियां इस सतगुरु निरंकार की मर्जी से चल रही हैं, इसे हम स्वीकार कर ले और सहज हो जाए। कहने का भाव यही है, जिसको अपने सतगुरु पर विश्वास है, निरंकार के न्याय पर भरोसा है, उसे संसार की कोई भी विपत्ति, कोई उलझन कभी परेशान नहीं कर सकती है। आओ दातार के चरणों में सबसे पहले हम विश्वास मांगे कि सच्चे पातशाह, हमें जो अनमूल्य ब्रह्म ज्ञान की सौगात आप जी ने दी है, हम इसकी कदर भी कर पाएं। और हमें इतना विश्वास देना कि हमारा जो ये मन का विश्वास है, ये कभी कमजोर ना हो और हम नेक रास्ते पर चलते चले जाएं और आप जी के बताए शिक्षाओं को अपने जीवन में प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देते हुए अपना ये जीवन का सफर तय करते चले जाएं। और सच्चे पातशाह, सभी के ऊपर अपनी मेहर भरी नजर रखना
और किसी को भी कोई भी कमी ना देना, खुशी इतनी देना कि कोई गमी ना देना, सभी सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़े रहें, सभी का इतना अटूट विश्वास इस स्तर पर बना रहे। विश्वास जो करते हैं वो सब सब सुख पाते हैं, ले लेके चरण धूले गुरमुख मुस्काते हैं। इस तरह कहते हैं कि जो विश्वास कर लेते हैं वो उन्हें हर प्रकार के सुख मिलते चले जाते हैं। इसलिए आओ हम संतों महापुरुषों की चरण धूलि को लेते हुए, आशीर्वाद लेते हुए अपना ये लोक सुखी और परलोक सुहेला करते चले जाएं। दासी इन्हीं शब्दों से आप जी के लिए सुखों की कामना करती है। दातार सच्चे पातशाह का सिमरन करते हैं, दातार निरंकार का। आओ सभी मिलकर सिमरन करें और सुखों के भागीदार बने, रहमतों के भागीदार बने। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। हाँ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी।